हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर, मैं टीचर फ्रॉम सीरम एकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेस टॉपिक राउंडिंग ऑफ नंबर्स, एक्सरसाइज 5.1। सो नंबर 8, राउंड ईच राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट लैक्स। यस, अभी हम टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 के हम एस्टिमेट फाइंड कर रहे थे, नियरेस्ट फाइंड कर रहे थे। बट अब आपको लैक का एस्टिमेट फाइंड करना है, बट इसमें कुछ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। मेथड तो सेम ही है, हम यहाँ पे आपके जो काउंट है वो हमें देखना है कि लैग कहाँ पे आ रहा है, देन उसके बाद आप एस्टिमेट फाइंड कर सकते हैं। तो हम काउंट पहले कर लेते हैं। सेम ऐसे आपको डी नंबर में भी सॉल्व करना है। बी एंड सी ये आप ही सॉल्व करेंगे, मैं आपको डी नंबर बता देता हूँ। डी नंबर में सॉल्व कैसे करेंगे, राउंड ऑफ टू लेफ्ट, ये सी वही चीज आएगी। फोर और सिक्स का भी फोर सिक्स, यहाँ पे भी मैं रख लेता हूँ फोर। और सिक्स का आफ्टर क्या होता है, सेवन। और नंबर ऑफ डिजिट में आपको नंबर ऑफ जीरो ऐड करना है लास्ट। तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव। अब आप एस्टिमेट बता सकते हैं, 84 है, मतलब 50 से तो ग्रेटेस्ट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 47 लाख। इनकी जो रिमेनिंग है बी एंड सी वो आपको ही सॉल्व करना है। और आपके लिए एक चीज और भी जाएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, ये भी आपको सॉल्व करना है। मैंने आपको बता दिया है मेथड कैसे आपको सॉल्व करना है, एस्टिमेट आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको बताया है। सो नंबर जो 9 अगर आप ओपन करेंगे अपनी बुक में, तो राउंड ऑफ द नंबर्स नंबर दिए गए हैं आपको, ये जो टेबल बने हैं क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपको कंप्लीट करना है। तो आप एस्टिमेट फाइंड कर लीजिए, देन आंसर ऐड कर लीजिए। राउंड ऑफ 10, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 का आपको एस्टिमेट फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।